चैनल तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जॉन सीना की रिटायरमेंट से। रोमर ने फर्स्ट रिएक्शन डाला है आफ्टर रेसलमेनिया 40 एंड गाइस रेसलमेनिया 40 ने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। एंड गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट गाइस वो जुड़ी है जॉन सीना से। जॉन सीना ने रिवील किया है कि वो शायद जल्दी रिटायर हो जाए। तो गाइस जॉन सीना का कहना ये है कि वो बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे, वो उस एज का वेट नहीं करेंगे जब उन्होंने कहा था कि मैं 50 के बाद रिटायर होऊंगा, बट उन्होंने अब कहा है कि वो बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से एंड फाइनल रन देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना, क्योंकि भाई वो हॉलीवुड के स्टार है। तो गाइस हॉलीवुड में बहुत सा बिजी शेड्यूल होता है उनका, एंड गाइस वो पीस मेकर के ऑफकोर्स शूटिंग में बिजी हैं। तो इसके तो गाइस दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर हॉलीवुड मूवीज मेकिंग फॉर जॉन सीना एंड रॉक का भी ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसके कारण वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से इतना दूर रहे थे। तो यही रीज़न है कि जॉन सीना बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे, लास्ट रन देने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत जल्दी, एंड ये होगा इसी साल। तो देखो गाइस किसके साथ लास्ट फ्यूड देते हैं जॉन सीना एंड किसके साथ नहीं देते हैं। बाकी गाइस आई होप सो अच्छी फ्यूड दें, अच्छा वर्क करें, लास्ट मैच जो होगा वो ग्रेटेस्ट मैच दें अपना जॉन सीना। तो जॉन सीना ने बहुत एंटरटेन किया है डब्ल्यूई में, फुल लाइफ ही दी एक साल से डेडिकेट किया है भाई, ये फुल लाइफ डेडिकेट की है। देखो गाइस क्या होता है। बाकी आप बताओ जॉन सीना किसके साथ लास्ट फ्यूड दें अपनी। तो नेक्स्ट अपडेट गाइस वो जुड़ी है हमारे कोडी रोड से। कोडी रोड ने कहा था कि वो विंग्ड ईगल टाइटल लाएंगे जो पहले वाले थी, लेकिन अब कोडी रोड कह रहे हैं ये मेरे हाथ में नहीं है भाई, ट्रिपल एच के हाथ में है। ट्रिपल एच को बोलो अगर ट्रिपल एच ये कर सके तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बट गाइस पहले कह रहे थे कोडी रोड कि मैं विंग्ड ईगल टाइटल लाऊंगा, बट अब कह रहे हैं यार मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो भाई साहब वो सच में ट्रिपल एच के हाथ में है, ऐसे कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, बट दिस इज ओनली सीईओ हैंड कि वो चाहते हैं वो टाइटल लाना या नहीं चाहते। बाकी मुझे लगता है कि यार क्योंकि वही टाइटल आएगी आप मान के चलो जो रियल है। नेक्स्ट अपडेट गाइस वो जड़ी है रोमन रेन से। तो रोमन रेन ने आफ्टर रेसलमेनिया लूज वीडियो पोस्ट की है, उन्होंने डाला है अपना रिएक्शन। तो गाइस आफ्टर लूज रेसलमेनिया 40 रोमन रेन शेयर हर हिज रिएक्शन फॉर इंस्टाग्राम, बिकॉज उन्होंने वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे डाली होगी। तो गाइस उस पर उन्होंने रिएक्शन डाला है, उन्होंने कहा पहले जब मैं हारा था तब तो मुझे दुख हुआ था, अफसोस हुआ था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ एंड जिम की डाली है उन्होंने वीडियो। तो देखो रोमन रेंस कब वापस आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में भाई। गाइस अब ऑफ तो लेंगे, ब्रेक तो लेंगे, लेकिन गाइस जब भी आएंगे तो नेक्स्ट स्टोरी ग्रेट स्टोरी होगी। मुझे तो लगता है कोडी रोड से रीमैच तो लेने आएंगे ही, जैसे हुआ नहीं था ब्रॉक लेसनर हार गए थे तो फिर से रीमैच लेने आ गए थे, वो चीज़ भी हो सकती है। बाकी देखो गाइस अब सभी रोमन रेंस को यार जो अप्रिशिएट करेंगे वो अलग लेवल पे होगा, क्योंकि सभी रोमन रेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना बेस्ट रेन दिया है, इवन इतना ग्रेटेस्ट रेन दे दिया ना, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि रोमन रेंस उस लेवल पे जाके हार गए एंड अब तो और ऊपर जाएंगे। तो देखो गाइस बाकी रोमन रेंस की नेक्स्ट स्टोरी लाइन ब्लड लाइन के साथ क्या होती है वो देखने में पता चलेगा। बाकी नेक्स्ट तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक आपको पता है जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो मूवी की शूटिंग करने जा रहे हैं, एंड उन्होंने ये भी कहा कि मैं वापस आऊँगा रिटर्न करूँगा। एंड गाइस ये वाला रन तो वो ख़त्म कर गए हैं अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो था, तो वो अपनी मूवी में शूटिंग करने जा रहे हैं एमएमए की, जो एक मूवी होने वाली है उसके लिए वो जा रहे हैं, एंड उसके बाद वो आएंगे। एंड भाई साहब मैच रिवील हो चुका है, कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 41 में इनका मैच हो सकता है, कोडी वर्सेस द रॉक एट रेसलमेनिया 41 एंड दैट इज कन्फर्म, या फिर रोमन रेंस वर्सेस रॉक भी हो सकता है रेसलमेनिया 41 में, क्योंकि गाइस मूवी की शूटिंग आमतौर पर 2 या 3 मंथ चलती है। क्या अब तो समर स्लैम में आ जाए रॉक, एंड रॉक इज़ द ग्रेटेस्ट मेकिंग स्टोरी लाइन एवर, आपको पता ही है कि रॉक किस लेवल की स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद गाइस जो हमारे रॉक ने कोडी के हाथ में कुछ पकड़ाया था, पता नहीं क्या पकड़ाया था क्या नहीं, बट गाइस इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन, वो वापस आएंगे और करेंगे कुछ ना कुछ, एंड दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई सस्पेंस में रखती है ना उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है बाद में। तो देखो गाइस क्या आता है। बाकी नेक्स्ट अपडेट वो जुड़ी है हमारे स्पीड से। तो स्पीड को आरकेओ लगी थी उसके क्रॉस सोशल मीडिया भाई साहब पता नहीं 20 से 25 मिलियन क्रॉस हो गए हैं, अब देख लो ये मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन गाइस इतने मिलियंस व्यू क्रॉस हो गए ना, वायरल मूवमेंट चला गया ये, अब ये चेक कर सकते हो जिस पे फुल लिखा है दिस इज़ अ गॉन वायरल मूवमेंट स्पीड आरकेओ लगी जो उनको उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कोलैब एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट एवर। एंड गाइस रेसलमेनिया 40 में बहुत से मूवमेंट हो चुके हैं, रेसलमेनिया 40 ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लार्जेस्ट गेट एवर ऑडियंस जनरेट फर्स्ट आर मोस्ट व्यू
और अक्रॉस द सोशल मीडिया मतलब 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं असल में 40 ने सभी तरह के, एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ रसलमिनिया 40। इसलिए हम कह रहे थे द ग्रेटेस्ट रसलमिनिया 40 ऑफ ऑल टाइम, दे ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स, सभी रसलमिनिया के रिकॉर्ड तोड़। तो गाइज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रसलमिनिया तो हो चुकी है एंड इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप पढ़ लो ये मतलब 600 व्यूज़ ले चुके हैं 24 आवर्स में, एंड भाई साहब सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एंड पैसों में तो इसने मतलब रसलमिनिया 39 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछली रसलमिनिया का, इस बार की रसलमिनिया 40 ने, एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट रसलमिनिया। हाँ कई बार बड़ा चला के बोलते हैं, लेकिन भाई साहब इस बार सच में द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ मेकिंग बाय रसलमिनिया जो बनाया ना इन्होंने, माइंड ब्लोइंग था, खतरनाक जहर, मुझे तो इतना खतरनाक लगा, इतना बेस्ट मोमेंट लगे रसलमिनिया 40 नाइट 1 एंड नाइट 2 में जो लास्ट में मेन इवेंट हुआ यार, कतई जहर, मजा आ गया। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गया वो जुड़ी है डेमियन ब्रीज से। डेमियन ब्रीज गाइस कर चुके हैं रीसाइन डब्ल्यूई के साथ, उन्होंने शेयर किया मूवमेंट एंड भाई साहब दे रीसाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड वो वर्ल्ड टाइटल है, उनको फेस करेंगे जे उसो। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, जे उसो फेस हमारे डेमियन ब्रीज को, बिकॉज वो जीत चुके हैं। सी एम पंक एंड ड्रू मैंटर का लफड़ा हो गया है, सी एम पंक ने ड्रू मैंटर को हरवा दिया मैच, उनकी स्टोरी आगे चलेगी एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी लाइन जो भाई साहब कतई खतरनाक होने वाली है, नेक्स्ट लेवल होने वाली है, तो देखे मज़ा आएगा ये स्टोरी लाइन। एंड जे देखो नेक्स्ट लीग क्या पेपर व्यू पे करते हैं मैं या रॉ पे करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ गया वो जुड़ी है अंकल हाउडी से। तो अंकल हाउडी का मतलब आफ्टर रसलमिनिया आफ्टर रॉ एक वीडियो पैकेज आया जिस पे रॉ लिखा हुआ था फुटेज पे, एंड गाइस वो रिटर्न करने वाले हैं बहुत जल्दी न्यू स्टोरी लाइन में, एंड दिस इज द कंफर्म अंकल हाउडी रिटर्न होने वाले हैं। देखो बट उनके साथ कौन सा कैसा करेक्टर आता है ये देखने वाली बात होगी, एंड किसके साथ उनकी फ्यूड होती है, बिकॉज पिछली बार जब थे हमारे वीरे वाइट तो उनकी जिस बंदे के साथ व्यूड हुई थी उस बंदे को ज़्यादा फायदा हो गया था, एल ए नाइट को, ग्रे वाइट का करेक्टर डाउन हो गया था। तो गाइस अगर डब्ल्यू लीग अंकल हाउडी का करेक्टर ला रही है तो उसे कुछ अच्छे तरीके से बनाए, ये नहीं कि उसे कचरा करके फिर से रख दे, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वे द मेकिंग अ न्यू स्टोरी लाइन एंड इफ द क्रिएट फैक्शन दैट मेकिंग गुड, मतलब फैक्शन बना रही है तब भी अच्छी बनाए, ऐसे नहीं बकवास जी बना दे, इसी स्टाइल के साथ भी प्यार कर सकते हैं यार। तो गाइस हमारी असल में 40 का जो वर्ल्ड क्लाइड था जिसमें सुपरस्टार आ रहे थे उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए व्यूअरशिप के, एंड बहुत खतरनाक व्यूअरशिप आई है उसकी भी। तो देखो गाइस उसमें 40 ये चीज़ें हो चुकी हैं एंड दे मेक हिस्ट्री। तो गाइस अगर मंडे नाइट रॉ का स्मैकडाउन भी होने वाली है तो उस पर देखो क्या होता है भाई ये। तो गाइस मैं नेक्स्ट पे जुड़ी गाइस वो जुड़ी है सेथ फ्रीकन रॉलिंस से। तो सेथ फ्रीकन रॉलिंस की एक वीडियो मतलब सोशल मीडिया पर डाली थी डब्ल्यू ने, जिस पर सेथ फ्रीकन रॉलिंस को कोडी रोड्स और बाकी सुपरस्टार अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हेल्प की है। तो ये चीज़ सोशल मीडिया पर डाली, एंड कोडी रोड्स की हेल्प तभी हुई जब सेथ रॉलिंस को शील्ड वाला सेगमेंट हुआ तो उनको पीछे चेयर शॉट पड़ा जिसके कारण कोडी रोड्स ने रोड्स रोल लगाया एंड वो विन किए। तो ये लास्ट अपडेट थी, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना यार।